आज की वीडियो में आपको बताऊंगी फुल पटियाला सलवार कैसे बनाए 2 मीटर कपड़े में से। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकॉन का बटन दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। देखिए हमारा एक गोल्डन कलर का कपड़ा है, 2 मीटर कपड़ा है, देखिए इस तरह से हमारा, और इसमें साथ हम फुल पटियाला सलवार बनाएंगे। तो देखिए इसे हम खोल लेते हैं और इसे हम इस तरह डबल फोल्ड हमारा, देखिए इस तरह से, देखिए हमारी लंबाई है, देखिए इस तरह से, पर हम इस तरह से ही निकालेंगे, इसे हम इस तरह से निकालेंगे क्योंकि इसका हमारा अर्ज अच्छा है, देख सकते हैं, देखिए इस तरह। तो देखिए पहले हम इसका आसन कट करेंगे, तो आसन हम 9 इंच पे कट करेंगे इसका, यहां से हम 1.5 इंच पे निशाने वाले थे, देखिए इस तरह। अब इसकी लंबाई लेंगे यहां से, तो 6 इंच हम ऊपर माइनस कर लेते हैं क्योंकि हमारी 6 इंच की बेल्ट आएगी ऊपर, और उसके बाद इसकी लंबाई लेंगे, तो देखिए इसकी जो लंबाई है 36, और इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा देंगे क्योंकि हमारा नीचे फिनिशिंग जाएगा, 1/2 इंच ऊपर जाएगा। देखिए सर हम पूरे में निशान लगा लेते हैं वहां तक। देखिए इस टाइम हम ड्रॉ कर ली लाइन, सेम जो हमें निशान यहाँ पे लगाया 9 इंच का, सेम उस साइड भी लगाएंगे 9 इंच का निशान। अब देखिए दोनों इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, अब सेम ड्रॉ पे से हम कट करेंगे। कट कर लिए, यहाँ पर हमारा बंद है, इसे भी कट कर लेते हैं। देखिए हमारी 4 पल्ली कट हो गई है, तो इसे हम साइड में रखेंगे। देखिए अब जो हमारे बीच में जो हम पट्टी लगाते हैं उसे कट करेंगे हम। देखिए जो हमारी नीचे वाली जो बचा था कपड़ा है इसमें से हम पट्टी निकालेंगे। देखिए इस तरह हमारी डबल फोल्ड है, इसकी चौड़ाई लेंगे हम 14 इंच लेंगे, और इसकी जो लंबाई लेंगे देखिए 6 इंच ऊपर माइनस कर देंगे, 6 इंच की बेल्ट हमारी और 37 इंच हमारा ये, इस तरह हम इसे भी कट कर लेते हैं। इस तरह ये भी कट हो गई है, इसे साइड में रख लेते हैं। अब बेल्ट कट करेंगे हम ऊपर की, देखिए बेल्ट की जो लंबाई है 9 इंच है, ये कमर लेंगे हमारी 36 है, तो डबल फोल्ड में हमारी 18 आएगी, तो देखिए हमने 18.5 इंच ले लिए क्योंकि हमारा 1/2 इंच सिलाई में जाएगा इस साइड। देखिए हमने मोरी के लिए पट्टी कट करी है, इसकी जो लंबाई ली हमने मोरी की 6 इंच ली है, तैयार में ही 4.5 इंच आएगी, जो हम बुकरम कट करेंगे वो 4.5 इंच की कट करेंगे। देखिए इस तरह, देखिए हमने 14 इंच की पट्टी जो कट की थी हमारी ये कली है, देखिए इस तरह से नीचे हमारा सीधा है, इस तरह हमने उल्टा रखा है कली हमने, और ज्वाइंट करेंगे हम कली को। देखिए इस तरह में सिलाई लगा दी, देख सकते हैं इस तरह से। अब दूसरी हम दूसरी कली ज्वाइंट करेंगे इसमें, देखिए इस तरह से सिलाई लगाएंगे हम। देखिए इस तरह मैंने ज्वाइंट कर ली दोनों कलियां और डबल सिलाई भी लगा दी हमने इसी तरह, और देखिए इसी तरह मैंने दूसरी साइड का भी तैयार कर लिया, देखिए इस तरह इसका आसन ज्वाइंट करेंगे, तो देखिए इस तरह से।
देखिए हमने दोनों साइड के आसन ज्वाइंट कर लिए और डबल डबल स्लाइव लगा दी हमने इसमें। अब हम बेल्ट तैयार करेंगे इसकी। देखिए हमने डबल फोल्ड कर लिए, इस तरह सिलाई लगाएंगे हम इसको। देखिए हमने 1 इंच हमने सिलाई लगाई है, फिर इसको हम 1 इंच का गैप देंगे। देखिए इस तरह हम इसे खोलेंगे पट्टी को और सिलाई लगाएंगे दोनों। इस तरह अब इसे हम 1/2 इंच इस तरह फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह और फिर सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगा दी ऊपर इस तरह से। देखिए अब इसे हम इस तरह फोल्ड करेंगे 1/2। तो देखिए हमारा ये बैक साइड का है, निशान लगा लेते हैं इस तरह। फिर एक निशान हम इस साइड लगाएंगे और एक निशान हम इस साइड लगाएंगे। देखिए इस तरह से। देखिए जो हमने नीचे ज्वाइंट किया था कली वगैरह, इसे हमने इस तरह सीधा रख लिया है और ये हमारी बेल्ट है। और देखिए जो हमने बैक साइड निशान लगाया था इसे इस तरह रखेंगे। और देखिए दो प्लेट हम पीछे डालेंगे बैक साइड। तो देखिए थोड़ी चौड़ी डालेंगे हम इस तरह से। देखिए जो हमने बेल्ट में निशान लगाया था यहां तक हम प्लेन सिलाई लगाएंगे इसमें। देखिए यहां से हम प्लेट डालेंगे इसमें। देखिए प्लेट हमारी थोड़ी चौड़ी पड़ेंगी। देखिए इस तरह मैंने प्लेट डाल दिए। अब दूसरी साइड हम प्लेट डालेंगे। तो देखिए वाली प्लेट हमने इस तरह डाली थी और ये वाली प्लेट हम इस तरह डालेंगे। देखिए इस तरह मैंने प्लेट्स डाल दिए। देखिए हमारी बैक साइड दो प्लेट्स हमारी। अब देखिए अब हम मोहरी तैयार करेंगे इसकी। देखिए हमने ये फॉर्म लिया और हमने देखिए ये हमने कपड़ा भी कट कर लिया है। देखिए नीचे मैंने सलवार सीधी रखी है, इसके ऊपर जो हमने पट्टी कट की थी 6 इंच की इसे रखेंगे और स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगा दी है। ये देखिए फॉर्म ली थी, इसे हम इस तरह रखेंगे और नीचे सिलाई लगाएंगे स्ट्रेट। देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगा दी है। अब देखिए इसमें जो हमने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था इसे अंदर फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह हम यहाँ पे भी सिलाई लगा दिए। अब देखिए 1/2 इंच छोड़ के यहाँ पे सिलाई लगाएंगे स्ट्रेट और सेम ऊपर भी।
देखिए मैं दोनों साइड स्ट्रेट सिलाई लगा दी है। तो देखिए इस तरह हम इस तरह सीधी रख लेते हैं मोहरी को और नीचे से हम देखिए इस तरह हम स्टार शेप देंगे, फिर दूसरा में सेट देंगे। देखिए इस तरह अब इसको हम सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह अब हम यहाँ पे भी सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह मैंने स्टार बना दिए पूरे में, देख सकते हैं। इस तरह हमारी एक मोहरी तैयार हो गई है, सेम इस तरह मैंने दूसरी मोहरी भी तैयार कर ली है। तो देखिए हमारी दोनों मोहरी तैयार हो गई है। अब इसे हम इस तरह फोल्ड करेंगे और पूरे में फिटिंग देंगे हम। देखिए हम इस तरह निशान लगाएंगे 6 इंच पे, आप 6.5 भी रख सकते हैं। और देखिए इसमें देखिए इस तरह हमारी पूरी सलवार तैयार हो गई है, मोहरी भी डिजाइन हमारी बन गई है। देखिए इस तरह से हमें फिटिंग दे दी है पूरे में। देखिए हमने प्लेट्स डाल दी है और देखिए हमें नेफा भी तैयार कर लिया है। इसमें हम नायरा डालेंगे इसमें, देख सकते हैं। और देखिए हमने आसन भी जॉइंट कर लिया बीच में। और देखिये हमारी प्लेट्स भी कितनी सारी आएंगी इसमें, देख सकते हैं। और देखिये बैक साइड हमारी इस तरह से 2 प्लेट्स है बस, देख सकते हैं। और इस तरह हमारी देखिये मोहरी भी तैयार हो गई है, देखिए इस तरह से। तो देखिए इस तरह हमारी पूरी सलवार तैयार हो गई है। इस तरह आप भी सुंदर सी 2 मीटर में कपड़े में से भी पटियाला सलवार बना सकते हैं। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि आप